साथ पंकज यादव, विश्व विख्यात कथावाचक और श्री प्रियाकांत जू मंदिर के संस्थापक देवकी नंदन महाराज जी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुस्लिम देश सऊदी अरब से उनके निजी नंबर पर कॉलर ने जिंदा जलाने की इस दौरान धमकी दी है। देवकी नंदन महाराज इस समय खारघर मुंबई में श्रीमद भागवत कथा कर रहे हैं। वहीं जानलेवा धमकी पर महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लेकर NCR दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ कथा पंडाल में भी कड़ी सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है। धर्मगुरु की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार और शिष्यों में चिंता व्याप्त है। इस संबंध में एक वीडियो भी जारी हुआ है। आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सबसे मैं एक आग्रह करूंगा, सनातन की आवाज रुकनी नहीं, चलती रहनी चाहिए। तो आप इसमें संज्ञान लें और जो भी संभव हो सके वो कार्य आप करें। और आप सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एकजुट होइए, सनातन का कार्य कीजिए। हम किसी को मिटाने के लिए नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आप भी प्यार से बोलिए राधे राधे। देवकी नंदन ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा है कि आप कितनी भी धमकी दीजिए, सनातन धर्म को लेकर हम हमेशा से ही प्रचार करते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करना कोई गलत नहीं है। तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी को सऊदी अरब से फोन आया था, जहां इस धमकी भरे फोन में उन्हें बम से उड़ाने की और जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी को धमकी भरा फोन इससे पहले भी आया था, और उसी दौरान आया था जब वो महाराष्ट्र में थे और इस दौरान वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस बार एक बार फिर से वो महाराष्ट्र में है और एक बार फिर से जहां पर वो श्रीमद भागवत कथा कर रहे हैं, और इस बार फिर से उन्हें एक धमकी भरा कॉल आया है। तो देखिए, कथा भागवत वाचक और वृंदावन के ठाकुर जी महाराज संस्थापक देवकी नंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सऊदी अरब के से एक कॉल आया है उनके पास, जहां पर मोबाइल पर उन्हें गालियों के साथ में उन्हें धमकी दी गई है। आपको बता दें कि जिंदा जलाने की धमकी इस दौरान दी गई है। और वही देवकी नंदन ठाकुर जी को जो धमकी मिली है, उसको लेकर कई सवाल सभी के मन में उठे हुए हैं, और इसी को लेकर चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी, हिंदुवादी संगठन के जो नेता हैं दुर्गेश मिश्रा, और मुस्लिम धर्म गुरु जुड़े हैं नूर अहमद। आप सभी तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करूंगी हिंदुवादी नेता दुर्गेश मिश्रा जी से। क्या सनातन धर्म में प्रचार करना अब जान से मारने की धमकी तक का, ये किस तरीके का जो सामने आ रही है खबरें, जिस तरीके से देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी को धमकी मिली है, आखिरकार इसको क्या समझा जाए? क्या सनातन धर्म का प्रचार करना इतना खराब है? दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए दुर्गेश जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हैं कंचन द्विवेदी जी। कंचन जी, एक बार फिर से अपने मेहमानों का फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। सऊदी अरब से फोन आया है, जहां इस दौरान बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लेकर इस दौरान मामला दर्ज किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री और यूपी के सीएम के साथ ने महाराष्ट्र की सरकार से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की गई है। देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी को धमकी मिली है, और साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि सऊदी अरब से फोन पर बम से उड़ाने की इस दौरान धमकी दी गई है। देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी, उनके पर्सनल नंबर पर यह धमकी आई है, जिसको लेकर आपको बता दें कि उनके जो नंबर हैं वो कुछ ही लोगों के पास है, लेकिन जिस तरीके से इस बार उनके पर्सनल नंबर पर यह धमकी भरा कॉल आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता की बात सामने आ रही है।
तो चलिए रुक कर लेते हैं अपने सभी मेहमानों का। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, कंचन द्विवेदी, दुर्गेश मिश्रा हैं, हमारे पास हिंदूवादी नेता और मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ नूर अहमद जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा दुर्गेश मिश्रा जी आप ही से है कि क्या सनातन धर्म का प्रचार करना इतना गलत है कि अब देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी जैसे कथावाचक को भी अब धमकी भरे जो पत्र हैं या धमकी भरे जो कॉल हैं वो आएंगे? दुर्गेश मिश्रा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कंचन द्विवेदी जी हमारे पास जुड़ी हुई है। कंचन जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी को धमकी भरा जो कॉल आना, वो भी उनके पर्सनल नंबर पर आना, किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी अगर हम बात करें 18 अप्रैल को भी उनके पास में इस तरह का फोन आया था। आखिरकार उस दौरान किस तरीके की कार्रवाई की गई थी और अब दूसरी बार फिर से फोन आया है, किस तरीके से देखा जाए? जी देखिए, ये बहुत ही निहायत गिरी हुई चीजें हैं, निहायत गिरी हुई प्रवृत्ति है। अगर जो धर्म का प्रचार कर रहा है, जो धर्म के लिए चल रहा है, जो धर्म के पद चिन्हों पर चल करके दूसरे को मार्गदर्शन दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी डराना, ऐसे व्यक्ति को धमकाना, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि इतने बड़े पद पर, इतने गरिमामय पद पर और इतने श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जो बिना सोचे समझे धमकियां मिल रही है अपने धर्म के लिए जो काम कर रहा है। तो एक बार भारत में इन सारी चीजों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि विचार किया जाए और मैं बिल्कुल ही निवेदन करूंगी अपनी सरकार के लिए, अपनी सरकार की व्यवस्था के लिए कि वो एक बार इन सारी चीजों पर सोचेगी। मैं अपनी बात को बाहर तक रखूंगी, ये बहुत ही निहायत गिरी हुई बातें हैं। और ये जो पद्धति चल रही है आज के टाइम पर कि हमारे जो हिंदू वाचक लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो अगर इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा देश इन सारी प्रवृत्तियों को देखते हुए खतरे में है और इन सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। जो विचार है ना, ये जो सोच है ना, इस पर एक बार इन सारी चीजों पर रोक की आवश्यकता है कि हम लोग कहीं कोई अलग नहीं है। अगर आप अपने धर्म पर चल रहे हैं तो अगर देवकी नंदन जी जैसे संत कथावाचक अगर अपनी चीजों को रख रहे हैं तो वो उनका भी कर्तव्य है, उनका भी धर्म है। हो सकता है कि आप अपने धर्म को लेकर के कहीं कुछ दृढ़ भ्रमित हो गए हो, तो एक बार देखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो जहां मेरे कॉल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हिंदुओं के विरोध में जाने वाले लोग हैं ये वही सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि देवकी नंदन जी हमेशा धर्म के लिए अग्रसर रहते हैं, धर्म के लिए हमेशा अपने पद चिन्हों पर जो लोग चलने वाले हैं उनको अपने साथ लेकर के और जो धर्म के लिए चलते हैं उनको लेकर के चलते हैं। इसके लिए उन्हीं की सुखबुराहट है, ये उन्हीं का डर है। और मुझे एक तो खुशी भी होती है कि लोग अगर आई से डर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल कंचन जी, जिस तरीके से क्या धर्म का प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो सनातन धर्म हो या दूसरे धर्म हो, किसी पर कोई भी रोक नहीं है। क्योंकि ये एक भलाई के लिए, जनता को एक अच्छा संदेश देने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके साथ में इस तरीके के धमकी भरे कॉल आना, कहीं ना कहीं किसी संगठन को इस रुख मोड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। जितने भी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और चीजें विस्तृत होंगी, अच्छी होंगी। लेकिन ये जिनकी जिनकी जो पद्धति है ये सोचने वाली है। जो सामूहिक कोई भी सामूहिक चीजों पे अगर ये बातें आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, तो उन तक कार्रवाई पहुंचनी चाहिए, उन तक ये व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर प्रेम की परिभाषाएं जानी जाती हैं, जहाँ पर प्रेम से रहा जाता है। अगर कोई अपने धर्म के लिए बोल रहा है और अगर आप उसमें रोक लगाने की आप हिमायत कर रहे हैं तो ये बहुत ही खराब बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नूर अहमद जी, आखिरकार क्या समझा जाए, क्या सनातन धर्म का प्रचार करने पर इस तरीके की धमकियां आना? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, जिस समय पर अगर बात की जाए, इससे पहले बहुत सारे जो हिंदूवादी लोग थे उनको, नुपुर शर्मा वाला भी बयान सामने आया था, उस समय पे भी देखा था कि कितने सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। आखिरकार क्यों धर्म के नाम पर इस तरीके के धमकी भरे कॉल आने, आखिरकार किस वजह से? देखिए मैम, धमकी देने वाला कोई हो,
चाहे वो सऊदी में बैठकर दे या दुबई में बैठकर दे या भारत में रहता हो तो दे। धमकी देने वाला कायर होता है। धमकी किसी को नहीं देनी चाहिए और धमकी देने वाले धमकी देने तक ही महदूद है, उनकी कोई हैसियत नहीं। अगर वो सामने आने की हैसियत होती तो धमकी कभी देते ही नहीं। ऐसे लोग समाज में सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल खराब। जैसा कि अभी आपने बताया है कि 18 अप्रैल को पहले भी महाराज जी को धमकी मिल चुकी है, तो मैं सरकार की प्रवक्ता बैठी है, मेरी बहन बैठी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 18 अप्रैल को जो धमकी आई थी, जाहिर है उन्होंने शिकायत की होगी तभी चैनल की एंकर साहिबा बोल रही हैं। जब वहां से शिकायत आई थी जब, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की? दुबई और सऊदी अरब से हमारे मुल्क के रिश्ते अच्छे हैं, हमारे देश के वजीर आजम वहां आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे से अच्छी बातचीत है, तो ऐसा क्यों है? ऐसे वहां से धमकी आई है तो हमारे देश की जो विदेश मंत्रालय है, जो देश का गृह मंत्रालय है, वो क्या कर रहा है? ऐसे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? 18 अप्रैल में जिसने भी दुबई से उन्हें कॉल पर धमकी दी, वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या वजह है? क्या हमारे देश का खुफिया जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है, मैं कंचन जी से जवाब मांगू। कंचन जी, क्योंकि जिस तरीके से, सही बात है, दूसरी बार धमकी मिलना कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल या निशान खड़े करते, प्रशासन पे भी, क्योंकि जब पहले धमकी दी गई है और अब पर्सनल नंबर पर धमकी दी गई है, आखिरकार पहले क्या कार्रवाई की गई थी और क्या कार्रवाई सही से नहीं की गई है ताकि दूसरी बार फिर से धमकी भरा जो ये कॉल आया है, आखिरकार इसके पीछे की वजह? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर ही उठता है। देखिए, दूसरी धमकी जैसे ही आई है उनकी उनके लिए व्यवस्थाएं टाइट कर दी गई हैं। जैसे कि मुझे जहां तक मालूम है कि वो महाराष्ट्र में कथा कर रहे हैं और उस विषय पर कोई छावनी उनके यहाँ बना दी गई है कि कोई भी उनको अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये व्यवस्था बहुत सोची समझी होती है, बहुत विचार करने वाली होती है, इसके बाद ही इन सारी चीजों पर, पद्धतियों पर चला जाता है। तो जब पहली उनके लिए धमकी आई थी तो प्रशासन तब से ही टाइट है और उनकी सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक अलग से उनके लिए टीम तैयार की गई है, इसके बाद वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और सारी चीजें बहुत सोच समझ करके की जा रही है, कार्रवाई हो रही है। जिस समय पर कंचन जी, जिस समय पर अगर नूर अहमद की जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मैं उस चीज के लिए, क्या लोकतंत्र का जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, क्योंकि उस पर भी सवाल उठ रहा है ना, उसको लेकर किस तरीके से, अगर हम पहले कोई कार्रवाई करे होते तो क्या आज ये दिन देखना होता? क्योंकि हमने पहले भी देखा है, नुपुर शर्मा वाले बयान पे भी देखा है किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और अब महाराज जी के पर्सनल फोन पर। सबसे बड़ी बात यह होती किसी और फोन पर आए समझ आता है, लेकिन पर्सनल नंबर पर धमकी आना कितना बड़ा सवाल है। नहीं, ये बहुत ही निहायत गिरी हुई और शर्मनाक बात है। मैं ये भी कहूंगी कि प्रशासन को भी थोड़ा सोचने जैसी वाक्य है, ये सोचने जैसी पद्धति है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बाकी नुपुर शर्मा के मामले में आप जानती हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन सारी चीजों पर कार्रवाई की गई है, जिन्होंने भी जिन लोगों को मारा है उन लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन मैं कहूंगी कि ये चीजें दोबारा नहीं घटित होनी चाहिए, ये चीजें दोबारा से नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीजों पर आपके लिए टीम भी तैयार की गई है और टीम के माध्यम से उनका पूरा जो व्यवस्था है, जो एक उनका मीडिया है, वो उन सारी चीजों को होल्ड किया जा रहा है और समझा जा रहा है कि ये चीजें कैसे हो रही है और कहाँ से हो रही है। तो धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि इन चीजों पर बहुत जल्दी से अगर कार्रवाई होती है तो बहुत समझ नहीं आता है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी चीजें होती है, समझा जा रहा है। बाकी इन सारी चीजों पर नजर रखी गई है, उन पर कोई कहीं पे भी कोई आंच नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की दोनों की। चलिए, दुर्गेश जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, अगर सनातन धर्म और हिंदुत्व को जब प्रचार करने की बात आती है तो आखिरकार क्यों धमकी भरे कॉल आते, आखिरकार क्यों सनातन धर्म को लेकर इतनी बौखलाहट होती है? दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दुर्गेश जी से। नूर अहमद जी, आखिरकार समझ में आता है अगर हम बात मुस्लिम समुदाय की करें, क्योंकि तमाम तरह के जो अगर प्रचार की बात करें तो यहां पर भी होता है, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो आखिरकार क्यों धमकी भरी चीजें या क्यों धमकी भरे ये कॉल आते हैं? क्योंकि सनातन धर्म का क्या प्रचार करना लोगों को क्या बिल्कुल बौखला देता है? हमारा देश जमहूरी निजाम पर कायम है, हमारा देश लोकतांत्रिक मुल्क है,
हमारे देश में सभी धर्मों को अपने मजहब का प्रचार करने का पूरा अधिकार हमारे हमारे देश के संविधान ने दिया है, और सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार करते हैं। सनातन धर्म के लोग भी करते हैं, इस्लाम वाले भी करते हैं, और दूसरे लोग भी करते हैं, और करना भी चाहिए। इसी को जमहूरी निजाम कहते हैं, इसी को लोकतांत्रिक मुल्क कहते हैं। मेरा 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 सीधा कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म ही नहीं, ऐसे लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये हर जगह होते हैं, हर मजहब में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो देश का खुफिया विभाग है उसको उसको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, और खुफिया विभाग को चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल के लाए और उन पर कार्रवाई हो, उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि सूफी ये देश सूफी और संतों का देश है, ये देश सभी समाज ने मिलकर के इसको हिंदुस्तान बनाया है, ये गुलिस्तान है, इसको 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 कोई खराश भी नहीं ला सकता। हम पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं। अभी आए दिन अभी दो चार दिन पहले की बात है, शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक आचार्य परमहंस थे, उन्होंने शाहरुख खान को इस्लाम से जोड़ दिया कि वो भाई इस्लाम का काम वो कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के मानने वाले उलमा ने और इस्लाम की किताबों से होता है जाहिर कि इस्लाम फिल्मों पर यकीन नहीं करता। बिल्कुल कंचन जी, लेकिन शाहरुख खान को साथ धमकी दी जा रही इसलिए कि वो मुसलमान है। तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। ये मेरी बहन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। आप अभिनेता शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, अभिनेता शाहरुख खान को धर्म के नाम को लेकर, उनके मुस्लिम समुदाय को लेकर नहीं, वहां पर विवाद हो रहा है उस फिल्म में पहनी गई पोशाक को लेकर, शाहरुख खान को इस चीज को लेकर नहीं। ये चीज आप ध्यान रखिए। नहीं नूर अहमद जी, आपने आपने महाराज जी नहीं नहीं आपने महाराज जी की खबर सुनी है ना सही से? धमकी भरा पत्र सनातन धर्म का प्रचार करने पर आया है। मैंने पहले कहा है कि 18 अप्रैल की उनकी शिकायत पर अगर सही कार्रवाई हो जाती तो आज ये दिन नहीं आता। क्या 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 उन चलिए नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, हाँ नूर अहमद जी, आपने शाहरुख खान को लेकर तो बता दिया कि किसने उन्हें धमकी दी है, हालांकि उसका जो है वो इससे कोई संपर्क नहीं है। महाराज जी की बात अलग है, महाराज जी इस समय प्रचार कर रहे हैं, वो किसी फिल्म को, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात पूरी सुनिए ना। नहीं नूर अहमद जी मेरी बात सुनिए ना, वहाँ पर पोशाक को लेकर है नहीं, महाराज जी को लेकर नहीं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म गुरु के उसमें आते, वो इस तरीके से नहीं कि वो किसी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। जवाब ले लेती ना, नहीं जवाब आपने शाहरुख खान को लेकर जो सवाल किया मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। आपने शाहरुख खान का जो नहीं आपने शाहरुख खान को लेकर जो बोला मैं जवाब ले लेती हूँ ना कंचन जी से। कंचन जी शाहरुख खान को लेकर तो इनके पास पूरा पुख्ता जवाब है कि किसने धमकी दिया, लेकिन महाराज जी को जो धमकी दी जा रही उसको लेकर नहीं। यही फर्क है इन लोगों में। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इनकी बात से कि जब हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार से नकुल शर्मा ने जबकि सच कहा था, उसके बाद भी नकुल शर्मा को सभी ने गलत बोला, लेकिन अभी हमारे पैनल में जो मौलाना बैठे हैं वो गलत चीज को, गलत आदमी को, गलत प्रक्रिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यही फर्क है कि अपने ये गलत लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं होती, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत चीजों पर उसके साथ खड़ा हो। बाकी ये दोनों ही बातें बहुत अलग अलग है, जिस प्रकार से मिला रहे हैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचता इस बात का। कहां वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुद्दे मिलने चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही मिलता जुलता नहीं है। नूर अहमद जी एंड कंचन जी, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश जी क्या कहेंगे, किस तरीके से अगर संगठन की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि महाराज जी को जो धमकी भरा फोन आया है उसको लेकर, क्योंकि सऊदी अरब से आया और अभी नूर अहमद जी ने भी दिया कि शाहरुख खान को भी धमकी मिली है, इन दोनों को जोड़कर किस तरीके से, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? आप किसी भी मामले में देखेंगे तो जो इस्लामिक पक्ष से बैठते हैं सो कॉल्ड विद्वान, ये जो बैठते हैं डिबेट्स में,
इनके पास हर चीज का जवाब होता है, समस्या का निदान कोई नहीं। कभी तो ये सरकार पर छोड़ देते हैं कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, कभी तो ये बता देंगे कि नहीं हमारे भी आदमी को धमकी मिली है। अरे आपके जो व्यक्ति हैं उनको धमकी मिल रही, आप एक दूसरे को खूब धमकी दो, एक दूसरे को खूब मारो काटो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारे धर्मगुरु हैं या जो हमारे समाज के पुरोधा हैं, उनको धमकी अगर आती तो आपको उसकी निंदा करनी चाहिए, आपको अपने समाज के बीच में जो ऐसे तत्व हैं उनकी पहचान करके उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। और हम जो बात बात पे आप लोग फतवा देते हैं कि ये खारिज इस्लाम गाना गा दिया, उसने नाच दिया तो खारिज इस्लाम, तो आप ये ऐसे धमकीबाजों को, ऐसे गुंडा तत्वों को, ऐसे आतंकवादियों को क्यों नहीं खारिज इस्लाम करते हैं? आप बहाने क्यों हर समय बनाते रहते हैं? आप बैठ जाएंगे बहाने बना लेंगे क्यों ये धमकी आई तो सरकार कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? अरे भाई जैसे हमारे यहाँ किसी लड़के की शिकायत लेकर पड़ोसी आ जाए कि भाई इसने हमारी दीवार गिरा दी, हमारे घर पत्थर फेंक दिया, बदतमीजी कर दी, तो हम अपने लड़के को डांटेंगे समझाएंगे। लेकिन आप अपने जो लोग हैं जो इस तरीके गुंडा तत्व, आप उनको समझाते नहीं है, उनको आप डांटते नहीं है, आप दूसरे पे जिम्मेदारी चाल देते हैं कि नहीं आप मेरा बेटा दरवाजा फेंक रहा था तो आपका घर बीच में आ गया। ये सब बातें क्या मतलब अत्यंत मूर्खतापूर्ण ये बातें हैं। आप अपने लोगों को समझाइए, इस तरीके की हरकतों से बाज आइए और बैठ कर उनको आप डिफेंड करते हैं। आप उनको तो कुछ कहते नहीं है कि भाई शहरुख खान को धमकी आ गई, शहरुख खान आपके व्यक्ति हैं, हमारे धर्मगुरु को धमकी आ गई, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। शहरुख खान को धमकी आवे या उन्हें कोई मार दे, हमें इससे कोई चिंता नहीं है, हमारे लोगों की हमारी ऑब्जेक्शन है धमकी देने की। बोलिए नूर अहमद जी, थोड़ा सोच समझ के बोला करें आप। आपने अभी एक बात कही है कि मतलब उन्हें डाटा करें आप, जो गुंडे लोग हैं उन्हें समझाया करें आप। हमें आप ये तो बताएं कि महाराज जी को धमकी देने वाले कौन लोग हैं? आप बकौल एंकर साहिबा के कि 18 अप्रैल को महाराज जी के पास फोन आया और इस वक्त आया है, फोन आया है, पहले आया तो दुबई से, अब आया है सऊदी अरब से आया है। तो दोनों मुल्कों से हमारे देश के रिश्ते अच्छे, हमारे वजीर आजम विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद अभी तक उसको उसकी छानबीन क्यों नहीं की गई? केवल कौन है, कहाँ है देश का खुफिया विभाग? इन्वेस्टिगेशन करना सरकार का काम है, मुकदमा दर्ज करना सरकार का काम है, कार्रवाई करना सरकार का काम है। आप नूर अहमद जी, नूर अहमद जी बिल्कुल, नूर अहमद जी अपनी कौम के लोगों को समझाइए। और इन्वेस्टिगेशन करना सरकार का काम है, सजा देना सरकार का काम है, कार्रवाई करना सरकार का काम है। आप बहुत जेम्स बॉन्ड ना बनिए कि सर्वाकर कैसे कैसे जांच करेगी सरकार, क्या करेगी? आप अपने लोगों को समझाइए क्या मानवीय आचरण क्या, लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी कौम के लोगों को समझाओ उन्हें क्या करना है। आगे बैठ जाते हो यहाँ के बताने की दुर्गेश जी एंड नूर अहमद जी, मैं आऊंगी नूर अहमद जी आऊंगी, कंचन जी कुछ कह रही है सुन लेते हैं। देखो दुर्गेश जी अरे मुझे दुर्गेश जी, दुर्गेश जी नूर अहमद जी, दुर्गेश जी नूर अहमद जी पर्सनली नहीं, दुर्गेश जी और नूर जी, कंचन जी कुछ कह रही सुन लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी कंचन जी बोलिए। देखिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि किस पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो सरकार का मैटर है, वो संभाल लेगी, प्रशासन का मैटर है वो संभाल लेगी। यहाँ पॉइंट ये बनता है कि आपके माध्यम से, आपके समुदायों के माध्यम से ऐसा क्यों हो रहा है? आप बैठ करके चैनल पर उन्हें डिफाइन भी कर रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, उनको ये भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया। पहली बात तो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है दोनों बातों का, दोनों बातें बहुत अलग अलग है। वहाँ वो धर्म का अपमान कर रहे थे इसलिए उनके लिए ये बात बोली गई, जबकि सरकार उसके भी पक्ष में नहीं है, प्रशासन उसके भी पक्ष में नहीं है, उनकी भी रक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, सबका रक्षा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही बात कर रही है, यहाँ पर जो जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है उसको आप लोग धमकी दे रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया महाराज जी ने। चलिए पूछेंगे उनसे, कंचन जी बोलिए। हम पे हमला कर रही, मुसलमानों पे कर रही हो आप, बताओ तो किन लोगों ने धमकी दी है?
नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, जिन लोगों ने भी धमकी दी है अभी तो नाम नहीं पता क्या है, तो आप उसको खारिज इस्लाम मानते हैं? आप इतना कह दो बस, आप इतना कह दो कि अगर मुसलमान ने ये धमकी दी है तो आप उसको खारिज इस्लाम मानते हो? आप इतना बोल दो, हमारे समुदाय का दस्तूरा निपटेंगे। आप कुछ किया नहीं करोगे, यहाँ बैठ के बहस क्यों कर रहे हो? ये मत सोचिए आप कि आपका नुकसान नहीं हो रहा है इन सारी चीजों पर। आपके लोग अगर जो लोग भी है, मैं नहीं जानती वो कौन लोग हैं, जो लोग भी हैं अगर वो इस पर आ रहे हैं और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका भी नुकसान उतना ही होगा जितना की धमकी देने से जिस व्यक्ति को आहत होता है उतना ही उसका भी नुकसान होगा। अगर विचार करो, अगर वो जेल जाता है, पकड़ा जाता है तो पूरी जिंदगी उसकी खराब है, वो आतंकवादी वाले सिस्टम में चला गया। सोचने जैसा, आप डिफाइन मत करिए, आप अपनी कौम को समझाइए। मैं बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम के माध्यम से आपसे बोल रही हूँ कि इन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा। आप कुछ गलत करें, सब बात अलग है, लेकिन आज आप हमारे विरोध में आकर के कुछ करेंगे या किसी भी कथावाचक के, किसी भी संत के, किसी भी महात्मा के जो अपने धर्म के मार्ग पर चल रहा हो उसको आप लोग अगर खराब बताएंगे या उनके मार्ग को रोकेंगे या उनको धमकियां देंगे तो ये बहुत ही निहायत बुरी हुई सोच है। इस सोच को हमें अगर भारत में रहना है तो बदलना होगा, हमें अगर अपने देश में रहना है तो प्रेम से रहना होगा। आप हमें मत छेड़िए, हम आपको नहीं छेड़िए, ये परंपरा होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगी कि ऐसी सोच बदलाव की होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बोलिए नूर अहमद जी, अपना जवाब दीजिए। ऐसा है बहन, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है मैं, फिर आपसे यही बात कहूंगा कि महाराज जी को जो धमकी दी गई है उनका पहले तो ये मालूम कीजिएगा कि धमकी देने वाले कौन लोग हैं। धमकी देने वाले 18 अप्रैल को जो उन्हें धमकी दी गई, वो आरोपी कहां है? दुबई से हमारे देश के सनातन धर्म के एक कथावाचक को सऊदी अरब में बैठा हुआ, कुवैत में बैठा हुआ कोई भी षड्यंत्रकारी धमकी दे रहा है, इस चीज का दुख है हमें। बोलेंगे, हम पूछेंगे, हम सवाल हम करेंगे, यही जवाब देने की हिम्मत रखिए। जवाब देने की हिम्मत रखिए ना, जवाब देने की हिम्मत। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इस्लाम करने के बाद कुछ नहीं है, साहब कुछ नहीं। आपके पास आपने आपने जहर देने के बाद कुछ नहीं किया है। 2014 चलिए दुर्गेश जी, आपसे मैं आखिरी प्रतिक्रिया इस पर लेती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, कि आखिरकार इस पर आपका क्या कहना है, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, इस पर कहना ये कि ये एक सेट मोड्स ऑपरेंडी है, मतलब एक ऑपरेट करने का एक तरीका है। कुछ लोग आतंकवाद में सीधे लोगों को मार रहे हैं, कुछ लोग चैनल पे बैठकर डिपेंड कर रहे हैं और कुछ लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। तो पूरा जो कल्चर है ये आतंकवाद से रिलेटेड कल्चर है और हर मामले में दूसरों को दोष देना, जब बात बात पर दूसरों पर फतवा जारी करना, और जो बहन ने हमारी कहा ना कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है, तो इन बहन को मैं बता दूं कि इनका यही धर्म है। जो इनके खुदा को खुदा नहीं मानेगा ये उसको मार देंगे, जो इनसे सहमत नहीं होगा वो जीने के काबिल नहीं है। इनका यही धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन करिए। कंचन जी, समय बहुत कम, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। तो फिर मैं यही कहूंगी, राष्ट्रमानस में एक चौथाई आती है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो सफल चाखा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा चाहे वो कोई भी हो। अगर वो हमारे बीच आएगा, प्रेम जब लेगा तो हम प्रेम देंगे, और अगर वो अपनी औकात से नहीं आएगा, वो प्रेम से नहीं आएगा, तो जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल।
कंचन जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की, किसी भी धर्म के लिए चाहे वो कोई सा भी धर्म हो उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस तरीके से किसी भी धर्म को लेकर अगर कोई भी निशान साधा जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के जो फोन आते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थे तमाम जो मेहमान थे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे, जहां पर आपको बता दें कि जो कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी, उनको एक धमकी भरा कॉल आया है। ये धमकी भरा कॉल दुबई से आया है, जिसको लेकर तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें, क्योंकि महाराज जी इस समय महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में इसको लेकर FIR दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर अब इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस तरीके से 18 अप्रैल को महाराज जी को इससे पहले भी धमकी भरा कॉल आया था, उसको लेकर क्या सही कार्रवाई हुई थी, क्या फिर से, क्योंकि पहले भी जो फोन आया था वो भी दुबई से आया था, और दूसरा भी अब जो फोन आया वो भी दुबई से आया है, तो देखना होगा कि इस बार किस तरीके की जो कार्रवाई होती है कि ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी धर्म गुरु को या किसी को भी इस तरीके के धमकी भरे जो फोन है या धमकी भरे जो खत है वो आगे ना पाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।